कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूँ चित्रकूट के प्रसिद्ध स्थान गुप्त गोदावरी में। ये क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पे। तो हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप ना करिए, पूरा देखिए। तो ये दोस्तों चलते हैं अंदर, ये अंदर जाने का रास्ता और आपको दिखाएँगे ये गुप्त गोदावरी की झील। तो ये पहाड़ों पे स्थित है ये जो गुफा है और ये मेरे दोस्त लोग हैं और हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़े हैं सीढ़ियों द्वारा। ये दोस्तों अंदर जाने का रास्ता, यहाँ पे अब हम अंदर जाएंगे गुफा के। बहुत ही सकरी रास्ता है दोस्तों, इससे हम लोग नीचे जाएंगे अंदर। और दोस्तों हम लोग अंदर घुस रहे हैं, यही रास्ता है गुप्त गोदावरी अंदर जाने की। ये देखिए हम पहाड़ के अंदर गुफा में हैं। ये गुफा के अंदर प्रतिमाएं हैं श्री रामचंद्र भगवान की। भाई चलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं गुफा के, आप लोग देख ही रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए ये पहाड़ों से पानी हमेशा निकलता रहता है। स्नान करती थी, बताया जाता है पाप नाशनी पाप मोचनी गंगा गोदावरी कहलाई है और नासिक पंचवटी से भ्रमण करके चित्रकूट धाम को आए। जहाँ सीता देवी है यहाँ पे भगवती माता सीता जी श्रृंगार करती थी, वहाँ देखे ये शिवलिंग बैठी है। वहाँ जब बनवास काल में माता सीता जी यहाँ स्नान करने के बाद श्रृंगार करने के बाद वहाँ पे बैठ के भगवान श्री राम माता सीता दोनों बैठ के वहाँ माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा आराधना करते थे। उसके बाद आगे जाएंगे धनुषकुंड कुद्गम स्थान है जहाँ से जल की धारा निकल रही है। ये नासिक पंचवटी महाराष्ट्र में केश्वर से आई हुई है। ये सीता जी की नैयर की सहेली थी गोदावरी नदी, हम जिसको बोलते हैं समुद्र, उन्हीं की बेटी थी। उनका नाम है महर्षि गौतम, उनकी पुत्री थी। वहाँ से भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए यहाँ आई थी। जब उनके दर्शन किए तो भगवान श्री राम जी प्रसन्न हुए तो बोले मांग लो बेटी जो वरदान तुम्हें मांगना हो। तब उन्होंने कहा मुझे कोई वरदान नहीं प्रभु, जैसे मैं अपने माता पिता से चोरी चोरी यहाँ आई हूँ उसी तरह मैं गुप्त रूप चली जाऊँ, मेरा राज कोई न जाने। यहाँ आके जहाँ बाहर नीचे पार्किंग है वहाँ तक ये जल जाता है, इसके बाद पुनः धरती में समा जाता है। इसीलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी है, यही गुप्त है। अभी ऊपर जाओगे खटखटा छोड़ देखोगे, काला काला पत्थर लटका है, वो महक नाम का राक्षस था, इंद्र के दो पुत्र थे जयंत और महक। तो जब माता सीता जी यहाँ स्नान कर रही थी तब उनके वस्त्रों की चोरी करके भग रहा था तो लक्ष्मण जी पहरे में खड़े थे, शब्द वेदी बाण मार के इसे उल्टा लटका दिया और श्राप दे दिया कि जा दुष्ट पाषाण का हो जाए। जब ये पाषाण की शिला होने लगा तो भगवान श्री राम से विनय किया कि हे प्रभु मैं पाषाण का हो जाऊँगा, मेरा भोजन क्या होगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जो कलयुग में है मेरे दर्शनार्थी मेरे दर्शन हेतु आएंगे वो तुम्हारा भी दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो जो कोई उसका दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वही उसकी विशेषता। बोलो सियाप रामचंद्र की जय। तो चलते हैं आगे, अब आपको दिखाएंगे ये सीता कुंड जो अभी भाई साहब ने बताया इसके बारे में क्यों प्रसिद्ध है। और ये रहा शिवलिंग जिसके बारे में बताया गया है अभी। अब दोस्तों हम आगे जा रहे हैं, इधर धनुष कुंड है अभी दिखाएंगे आपको। दोस्तों आपको दिखाते हैं खटखटा चोर जो बताए यहाँ के लोगों ने कि ये क्यों प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों पे बैठ के जाना पड़ता है वरना रास्ता ही बहुत गंभीर है। ये देख ही रहे हैं ये बजरंग बली की मूर्त। और दोस्तों यही है वो खटखटा चोर जिसके बारे में भी यहाँ के भक्तगणों ने बताया, देख ही रहे हैं आप सब। और ये एक पत्थर की शिला है, यहाँ अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है इसलिए यहाँ पे चारों तरफ पंखे लगाए गए हैं। अब हम लोग दोस्तों बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यही दोस्तों अंदर जाने का और बाहर जाने का रास्ता जो बहुत कठिनाईपूर्ण है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, इससे झुक के निकलना पड़ता है।
आप लोग देख ही रहे हैं गुफा से दो से बाहर आ गए हैं। अब आपको दिखाएंगे पानी वाली जाने की गुफा। यही है दोस्तों गुफा के अंदर जाने का मेन रास्ता। दोस्तों गुफा के अंदर चल रहे हैं जहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है। ये देखिए पहाड़ के अंदर गुफा में है पानी घाटी घाटी तक है। यहाँ पे झुक के निकलना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों हम जैसे जैसे अंदर घुस रहे हैं वैसे वैसे पानी का स्तर ऊपर बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों कैसे चलना पड़ रहा है पत्थर की गुफाओं में अंदर पहाड़ के अंदर पानी भरा हुआ उसके अंदर हम जा रहे हैं। देखिए कैसा मुश्किल रास्ता है भाई। ये अंदर है हम लोग देख रहे हैं आप लोग बाहर निकल रहे हैं गुफा के अंदर ही है। जय श्री राम। हम लोग दोस्तों गुफा से बाहर आ गए हैं। दोस्तों ये मेरे दोस्त हैं। हाय दोस्तों आज हम चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में आए हैं और हमको इस स्थान में बहुत आनंद आया और हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। जय श्री राम। मजा आ रहा है और क्या भाई। यही है गुप्त गोदावरी का अद्भुत नज़ारा। और दोस्तों इस कुंड का पानी कभी ख़त्म नहीं होता कभी भी। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।